Morning students, myself Sunita Sen from SR Senior Secondary School. आज हम कक्षा 6 की हिंदी की जो वसंत भाग 1 है कब की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पढ़ेंगे वह चिड़िया चुग। इतने दिन हम क्या कर रहे थे ग्रामर के हिंदी ग्रामर के जो पाठ है वह कर रहे थे। आज हम अपने पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से जो पाठ है वह चिड़िया जो पढ़ रहे हैं। नीले पंख वाली चिड़िया है जो बहुत बहुत साहसी है, उसे अनाज से प्यार है और वह मीठा गाती है, आनंद से गाती है, एकांत में भी खुश रहना चाहती है। इसी को उन्होंने एक कविता के माध्यम से दर्शाया है कि मनुष्य में भी यह गुण होने चाहिए। अब देखो जैसा कि शीर्षक है वह चिड़िया, तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुबिन के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेकर गा लेती है, वह छोटी मुंह होई चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है, वह चिड़िया जो चौंच मारकर जड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब देखो इस कविता का हम सलाह जानते हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल जो कल्पना काल्पनिक रूप से स्वाभाविक उनके मन में एक चिड़िया का वर्णन किया गया, जिसमें उन्होंने मनुष्य के गुणों को भी बताया है। वह चिड़िया जो चौंच मारकर, वह चिड़िया नाम लिखता है उस चिड़िया का नाम क्या है, लेकिन वह चिड़िया है जो चौंच मारकर, उसकी छोटी छोटी चौंच होती है, वह जुड़ी भरे दूध भरे जुड़ी के दाने, जुड़ी के मतलब जैसे अनाज कच्चा होता है उसमें दूध निकलता है, अनाज तो वह अनाज जब कच्चा होता है, गेहूं की बाली जब कच्ची होती है तो उसमें दूध निकलता है ना, तो वह दूध कच्चे दूध के दाने वह खा चौंच चौंच से मार मार कर निकाल लेती है और खा लेती है रुचि से मतलब बहुत रुचि से खाती है, बहुत सुरुचि तक उसे पसंद रस से खा लेती, सुरुचि रस से आनंद से, सुरुचि से मतलब आनंद से खा लेती है वह छोटी संतोषी चिड़िया। संतोषी का अर्थ है तृप्त, मतलब संतुष्ट है, इसे संतुष्ट क्या अर्थ है संतुष्ट, वह चिड़िया अनाज खाकर संतुष्ट है, आनंद रुचि से आनंद से खाती है और वह संतोषी चिड़िया का स्वभाव कैसा है कि वह संतोषी है। तो मनुष्य कविता के माध्यम से कभी भी बताया कि मनुष्य को भी संतोषी भाव का होना चाहिए, तो वह छोटी चिड़िया कैसी है संतोषी है, संतुष्ट रहने वाली आनंद से रहने वाली है, नीले पंखों वाली है, वह कह रही है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे तो अन्न से जो जुड़ी के ये गेहूँ की बाली में जो कच्चे अनाज होता है जिसमें दूध निकलता है वह अनाज मुझे बहुत प्यारा है। दूसरा पैटर्न देखें, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े मन बाबा की खातिर रस उड़ेकर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे भजन से बहुत प्यार है। अब
कंठ का क्या होता है? गला। गला खोलकर बूढ़े वन बाबा, बूढ़े मतलब घना, यहाँ पे बूढ़े का क्या होता है? घना जंगल, घना वन मतलब जंगल। तो वह बूढ़े वन मतलब घने घना जंगल जो है उस जंगल के भाग उस जंगल की एकांत रहती है, खुश रहती है, उसमें वह मीठा रस देखकर कर उसके मतलब जितना उसमें स्वर है मिठास है उसी रंग वह गला खोल कर गा देती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली है, वह मुंह बोली चिड़िया है और वह नीले पंखों वाली है, उससे अपनी बीजन बीजन मतलब अपने कार्य से कर्म से बीजन का होता है कार्य या कर्म, कर्म से उसे बहुत प्यार है। ठीक है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चली नदी का दिल चटोड़ कर जल का मूर्ति ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। बता रही है वह चिड़िया, चिड़िया कवि ने चिड़िया का नाम भी बताया कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर चली नदी पंती नदी, चली नदी का क्या होता है पंती नदी, उफनती नदी, नदी में ज्वार आ रहा है उफन रही है ना, लहरें हिलोरे खा रही है, लेकिन वह उसमें चोंच मारकर मोती जल का मोती उठा, उसकी चोंच छोटी होती है तो वह जल रूपी मोती को अपनी चोंच में ले लेती है और पानी पीती है, उसमें बहुत साहस है। साहस मनुष्य में भी साहस का गुण होना चाहिए। इस पैराग्राफ के माध्यम से कवि ने बताया कि हमें साहस रखना चाहिए। तो वह उफनती नदी किसका उदाहरण दिया कवि ने, उफनती नदी का, कि नदी जब उफनती है तो उसमें लहरें किलोरे खाती है, बहुत तेज उफान होता है, लेकिन फिर भी जो तो छोटी चिड़िया है उसमें साहस अधिक होने के कारण वह अपनी छोटी सी चोंच से मोती रूपी जल की बूंदे उठा लेती है और पानी पी लेती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, उसे अपने ऊपर विश्वास है, उसे अपने ऊपर गर्व है कि मैं इस उफनती नदी को भी हरा चुकी हूँ। नीले पंखों वाली मैं मुझे नदी से बहुत प्यार है, तो कह रहा है कि जो नीले पंखों वाली चिड़िया कह रही है कि कवि नीले स्वभाव में वह कवि की नीले कवि के स्वभाव में वह नीले चिड़िया है, वह कह रही है कि मैं नीले पंख है और मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो अब देखो कवि केदारनाथ जो चिड़िया के माध्यम से बताया है कि वह एक छोटी सी चिड़िया है जो नीले पंख है, उसकी चिड़िया की क्या क्या विशेषता है कि उसमें उसके नीले पंख हैं, उसमें उसे दूध भरे जो मोटे दाने अनाज बहुत पसंद है और वह संतोषी स्वभाव की है, उसे अन्न से बहुत प्यार है, वह मीठा गाती है और घने जंगल में एकांत में रहकर भी खुश हो जाती है और वह उसे अपने कर्म से उसे अपने भीतर से बहुत प्यार है और उफनती नदी से भी वह घबराती नहीं है और जल की बूंदे ले लेती है उठा लेती है अपनी चोंच में और अपना पानी पी लेती है, उसे अपने ऊपर विश्वास है गर्व है अपने आप का, तो उसे नदी से भी बहुत प्यार है। तो इसमें कवि ने चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के जो गुणों को बताया है और यह वसंत भागवत का फर्स्ट पार्ट है वह चिड़िया जो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कवि केदारनाथ अग्रवाल जानते हैं आप, कवि केदारनाथ अग्रवाल जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हासिल गांव में हुआ था और वे 1 अप्रैल 1911 में इनका जन्म हुआ था, 2000 में उनका निधन हो चुका था। आज हमने ये पढ़ा, कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से मनुष्य के, कवि केदारनाथ जी ने बड़े सुंदर ढंग से मनुष्य के गुणों को बताया है कि हमें अपने गुणों को बनाए रखने के लिए हमें अपने अंदर गुणों को विकसित करना चाहिए। तो आज हम इसके कल हम इसके प्रश्नों